गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हमेशा रहिए अपने परिवार के साथ, खुश रहिए। और आज इस नई सुबह में हम लोग नए काम को आरंभ करेंगे। उसके पहले लेकिन आप हमको ये बताइए कि आपने पिछले वाले वर्क को कंप्लीट किया है। मैंने आपको डिज़ाइन दिए थे बनाने के लिए, दो एक पेंट करके बताया था और एक उसी के आधार पर मैंने आपसे कहा था कि आप उसको खुद से पेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ में कुछ कली फूल पत्तियां भी भेजी थी मैंने आपके पास और कहा था कि उनको भी आप कॉपी पर बनाते अपनी उनको प्रैक्टिस करिएगा, रखते रहिएगा बना करके, और जब हम मिलेंगे तब हम को देखेंगे। साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि किसी भी काम को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सोच के कि नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, कोई देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि आपको जो भी काम जा रहा है, बताया जा रहा है या कराया जा रहा है, वो सब काम आपसे पूछा जाएगा और उस सारे काम के आधार पर ही आपकी परीक्षाएं भी होंगी और आपको अंक भी दिए जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। इस साल आपने देख भी लिया कि कैसे प्री बोर्ड के मार्क्स देख करके बच्चों को बोर्ड में पास किया गया है, तो आपके स्कूल के मार्क्स सारे कोई भी हो, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे यूनिट टेस्ट हो, कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको कि आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो स्कूल का एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसा भी हो हमें तो बोर्ड की तैयारी करनी है। लेकिन इस बार देखिए, उन्हीं नंबरों के आधार पर बच्चों को पास किया गया है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी चीज़ को आप गहराई से सोचिए और उस पर चिंतन करिए। पिछले डिज़ाइन में मैंने आपको स्क्वायर में गुड़हल बनाना बताया था, पेंट करना बताया था। आपके इस बार के पोर्शन में, जैसे नाइन्थ में आपने केवल डिज़ाइन बनाए थे केवल फूल और पत्ती से, लेकिन इस बार आपके फूल पत्ती कलियों के साथ में कुछ पक्षी पशु इनको भी सम्मिलित किया जाता है टेंथ में, और आपको वो भी सीखने हैं, तो वो मैं आपको बीच बीच में बताते चलूँगी कि कहाँ पर कैसे किसको करना है। आइए आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कनेर का फूल है, लाल कनेर का फूल एक चिड़िया के साथ में, ठीक है। अगली बात समझ में, वो भी अर्धवृत्त में है। पिछली बार हम लोगों ने बनाया था वो स्क्वायर था, वर्ग था और गुड़हल का फूल पत्ती और कलियां थी। इस बार हम अर्धवृत्त या सेमी सर्कल लेंगे। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नहीं तो आप आधे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है सेमी सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं या अर्धवृत्त को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम अर्धवृत्त या सेमी सर्कल को बनाएंगे, ठीक है। अर्धवृत्त इसको कहते हैं आधा वृत्त, देख रहे हैं आप ये, ठीक है बच्चों। अर्धवृत्त में अभी तक आप लोगों ने नाइन्थ में भी डिज़ाइनर बनाई थी और अब आपको ये टेंथ में भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, अर्धवृत्त में ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसको मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप इसको देख करके अपनी कॉपी पर ड्रॉ करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको पेंट करेंगे। ये आपका टोटल 18 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। आपको कंपास में 9 सेंटीमीटर ले करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसी के अंदर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन टू पार्ट्स में है, देखो ध्यान से, देखिए ये टू पार्ट्स में है, हाफ आधी इधर है और वही सेम आधी इधर है, ठीक है। तो हम यहाँ बीच में से एक लाइन डालेंगे और उस लाइन के सहारे हम आधा इधर का बनाएंगे और आधा इधर का देख करके। तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने ये खींच करके रखी हुई है 18 सेंटीमीटर लाइन, जिसमें मैंने ये सेमी सर्कल बनाया है, ठीक।
पे डबल बनाएंगे जैसे 9th में बनाते थे उसी 18 के अंदर, जिसको कलर करके आप उस डिज़ाइन का आउटलाइन या बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये लाइन डली हुई है, देखिए हल्के हाथ से पहले ड्रॉ करेंगे फिर उसके बाद उसको डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से देखिए बच्चे यहाँ से जुड़ेगा ये पार्ट इधर को चला जाएगा। ठीक है,
जो मैं कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम इधर की भी बना लेंगे लेफ्ट साइड की, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पेंट करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।